साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही हैं, वो है पावर स्पेस। मिस्टर प्रवीर सिन्हा, टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत शार्पली बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स लेड बाय क्रूड। कल हमने देखा कि कोल प्राइसेस भी बहुत ज्यादा शार्पली बढ़ गए। ऐसे एनवायरमेंट में पावर सेक्टर पे आप कैसा इम्पैक्ट आते हुए देखते हैं, क्योंकि अभी भी काफी बड़ा हिस्सा कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप सिचुएशन को हमारे लिए एनालाइज करके बता सके इस समय। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में नियरली 70% पावर जनरेशन जो होता है कोयले से होता है, बट इसमें 90% ऑफ द कोल हमारा डोमेस्टिक कोल होता है। तो डोमेस्टिक कोल का ऐसा कोई इंटरनेशनल कोल प्राइसेस से संबंध नहीं है, एक्सेप्टिंग कि डोमेस्टिक कोल निकालने के समय हमें डीजल यूज करना होता है, जो इक्विपमेंट्स वहां पे हैं उनके लिए, ड्रैग लाइन के लिए एंड ऑल भी जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। सो उस ये में संदर्भ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है इन दी कोल प्रोडक्शन। दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेड कोल हमारे कंट्री में जो आता है वो ज्यादातर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से आता है, बहुत ही कम क्वांटिटी आता है रशिया से। हाउएवर हमारे साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ये काफी क्वांटिटी में जाता है, जैसे कि जापान में, कोरिया में, ताइवान में एंड चाइना में भी, और वहां पे करीब 80 मिलियन टन जाता है जो अब शायद नहीं उनको वो खरीद पाए। तो दे वुड बी अ स्ट्रेस ऑन द सप्लाई फ्रॉम इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड उसके कारण कोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट पिछले एक साल में हमने देखा है कि कोल प्राइसेस जो कभी $100 के ऊपर नहीं जाता था, नॉर्मली $60-70 के रेंज में रहता था, जो इंडेक्स रहता है इनका, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स रहे या इंडोनेशियन, वो पिछले साल करीब 150 चला गया और दिसंबर के महीने में तो 200 हो गया था। अभी भी ये बीच में फिर कम हुआ था, ये 150-160 के रेंज में आ गया था जनवरी फरवरी में, बट मार्च में हम फिर देख रहे हैं कि ये 200 के करीब पहुंच गया। सो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस थोड़ा हाई रहेंगे, बट इंडिया में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि वेरी फ्यू प्लांट्स हैं इंडिया में जो इम्पोर्टेड कोल पे ही निर्भर करते हैं, और जो डोमेस्टिक हमारे कोल प्लांट्स पे जो प्लांट्स चल रहे हैं कोल पे, वो उनपे कोई ऐसा खास असर नहीं पड़ा। राइट सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया ये बहुत जरूरी था कि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्टेड कोल पे कम है इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट कम है और इस मामले में काफी हद तक हम आत्मनिर्भर है। टाटा पावर की बात करें तो मैं आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, आपके हाइड्रो पावर प्लांट का 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। बहुत ही कम ऐसे देश में कंपनीज हैं जो अपने अपने सेक्टर और बिजनेसेस में इतने लंबे समय तक हैं, इतने अरसे से हैं। तो अगर आप ये मैं बताएं कि इस बात से लेते हुए कि नेक्स्ट 5 साल की अगर हम बात करें तो टाटा पावर का जो कंट्रीब्यूशन मिक्स है एनर्जी का, वो किस तरह से आपको शेप होता हुआ नजर आता है? थैंक यू वेरी मच। ये सेकेंड प्लांट हमारा है जिसने 100 साल इस साल कंप्लीट किया है। इसके पहले हमारा खपोली प्लांट 2015 में 100 साल कंप्लीट किया था, और जो तीसरा हमारा प्लांट है भीरा का, वो 2027 में 100 ईयर्स कंप्लीट करेगा। तो ये आप देखिए कि आज से 100 साल पहले जब ये प्लानिंग किया गया था, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो अगलियर जनरेशन में काम करते थे टाटा पावर में, उन्होंने ये इन्विसाज किया था कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, और इसका आज हमें बहुत फायदा है कि ये प्लांट आज भी ऑपरेट कर रहे हैं एंड मुंबई शहर को बिजली प्रोवाइड करते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा इसका ये है कि ये हमारे रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में, चाहे हम दिन में यदि सोलर लगा लें और रात में या शाम को विंड कर लें, तो यदि जो लेट नाइट में जब हम विंड भी नहीं है या शाम को विंड कम है, तो ये हमारा हाइड्रो प्लांट उसको सपोर्ट करता है। तो जो हम 24/7 रिन्यूएबल पावर का बात करते हैं, तो उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाएगी इन
गोइंग फॉरवर्ड. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये प्लांट मुंबई शहर को बिजली देती है, और ये जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी संडे को बिजली की कटौती हो गई थी, तो उस समय भी ये प्लांट सबसे पहले ये ऑपरेट कर रहा था, और ये जो हमारे क्रिटिकल लोड्स हैं मुंबई शहर में उनको प्रोवाइड करता गया इन स्पाइट ऑफ अदर प्लांट्स गेटिंग इंटरप्टेड. सो बहुत ही अहम भूमिका है, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ने ये निश्चय किया है कि हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे बिजली प्रोड्यूस करेंगे. कुछ साल पहले हम लोग करीब 15% हमारा नॉन कार्बन जनरेशन था, अब हमारा 30% हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में ये करीब 60% से ज्यादा हमारा जो जनरेशन कैपेसिटी रहेगा वो रिन्यूएबल का रहेगा, और बाई 2030 ये 80% कैपेसिटी में आ जाएगा. और हम लोग ने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है कि पहले हमने 2050 में बोला था कि हम नेट जीरो कार्बन होंगे, अब हमने उसको इम्प्रूव कर दिया है, 2045 में ही हम नेट जीरो कार्बन कंपनी हो जाएंगे. मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड दैट्स क्वाइट अ गुड वर्क हियर. प्रियंका यर, जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे क्लियरली टाटा पावर का फोकस होगा, और आपने फेज्ड मैनर में जैसे अपने फर्दर प्रोजेक्शंस ले आउट किए हैं, ऐसे में अगर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपसे थोड़ी सी हम यहाँ डिटेल्स जानना चाहें, तो टाटा पावर, क्योंकि एक बड़ा इको सिस्टम टाटा ग्रुप क्रिएट करने का, उसमें टाटा पावर का कहाँ कितना कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या क्या रोल हो सकता है, अगर इस पर आप और डिटेल शेयर कर पाएं. सो जैसे कि क्लीन एनर्जी फॉर पावर यूसेज के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज के लिए, उसी तरह क्लीन मोबिलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गोइंग फॉरवर्ड. और हमारे टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, बट यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलना है तो उनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, चाहे ये घर में हो, पब्लिक चार्जर्स हो, फ्लीट के लिए चार्जर्स हो, बसेस के लिए चार्जर्स हो. सो टाटा पावर जो है पूरे देश में कई शहरों में हमने लगाया हुआ है, हाईवेज पे लगाया हुआ है, और हमारे बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, के टू के प्रोग्राम विच इज कश्मीर टू कन्याकुमारी, इसी तरह हमारा ईस्ट टू वेस्ट प्रोग्राम चल रहा है. सो काफी सारे हम प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर, चाहे वो फोर व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, उसको कहीं पे भी ट्रैवल करना हो देश में, उनको एक सीमलेस ट्रैवल अपॉर्चुनिटी दिया जाए. किसी को ये सोचने का जरूरत नहीं है कि यदि मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ या बैंगलोर से चेन्नई जा रहा हूँ तो मैं कहाँ पे चार्ज करूंगा और कैसे मैं चलाऊंगा गाड़ी. सो ये एक बहुत अहम इनिशिएटिव लिया गया है टाटा पावर की तरफ से, और हम ये पूरे देश में ये सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली हमारे ग्रुप के जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा जगह में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगे. मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया ईटी न्यूज़ स्वदेश को. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी. सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. खैर आगे बढ़ते हैं. एक और ऐसी कंपनी है जिसपे कमोडिटीज का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, वो है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई.